इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर बिलेरियागंज की घटना को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला। बता दें कि विगत दिनों बिलेरियागंज में सीए एनआरसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कई लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया था और 3 के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। इस घटना के बाद से ही जिले में राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। उसके बाद प्रियंका गांधी से लेकर सपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल घटनास्थल पर जाकर लोगों से बातचीत करके उनके दुख दर्द को जाना था, और उसके बाद लोगों ने इस घटना की निंदा भी की थी। और आज भी कांग्रेस के नेताओं का बिलेरियागंज आना जाना लगा है। कांग्रेस के नेता बेगुनाह फंसे लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बिलेरियागंज से आज आए एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर मुकदमे की धाराओं को हल्का करने का निवेदन किया, जिससे जेल में बंद लोगों को जमानत मिल सके। ज्ञापन देने आए लोगों ने कहा कि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि बेगुनाह लोगों को नहीं फंसने दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल के साथ आए लोगों ने कहा कि हमें जिलाधिकारी महोदय पर पूरा भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। देखिए, मैं रहमतुल्ला असरी फलाही जामतुल फलाह बिलेरियागंज का नाजिम, और डीएम साहब से जो मुलाकात हमारी हुई है बिलेरियागंज में जो वाक़ा हुआ था, जिससे सब लोग जानते हैं, इस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने इत्मीनान दिलाया है कि हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं 19 लोग, तो उनके ज़मानत के लिए जो कोशिश हो रही है, उन पे जो धाराएं लगी हैं, डीएम साहब की गोया कोशिश से वो धाराएं कुछ कम हो जाएंगी और ज़मानत में आसानी होगी, और ऐसे बच्चे या लड़के जो किसी बेगुनाह जो है उसमें नाम उनका आ गया है, उनको भी अलग कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसके लिए मतलब प्रशासन से मतलब उनको गलत फंसाया गया। जी 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 जी, तो वो जो आ गए हैं किसी भी गलती से आ गए, गलतफहमी से आ गए हैं, बेगुनाह हैं, लेकिन तो उनको जो है इससे जो है सूची से अलग कर दिया जाएगा। क्या सोचा? ये हमारी बात हुई है। क्या मेरा सोचा मिला आपको? कब तक सोचा मिलेगा? कोशिश हो रही है और बस 2-4 रोज़ के अंदर अंदर जो है कुछ ना कुछ वो हो जाएगा। ये ऐसा ही ध्यान जो है दिखाया जी सामने, और ध्यान रखते हैं कुछ ना कुछ होगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।